इतनी देर से कहाँ थी आप? एक मिनट पहले कॉल की थी, उड़कर आ जाती क्या मैं? बहरहाल अम्मी का कुछ पता चला? वो नहीं मिली, आपकी मेहरबानी से वो दोनों फरार हो गईं। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो घर छोड़ चुकी थी। बहरहाल तुम मुझे ये बताओ कि गजल जब यहाँ आई थी तो तुम्हारी उससे क्या बात हुई, क्या कहा तुमने उससे? ओके, वो यहाँ आई थी और उसने कहा कि वो तुम्हारी बहन है, अम्मी की डेथ हो चुकी है और पीछे बहुत सा कर्ज छोड़कर गई हैं। और कुछ कहा? बस यही बात हुई, बहुत रो रही थी और बहुत परेशान थी। उसने बताया कि तुमने उसे मना कर दिया है, बहुत शर्मिंदगी हुई तुम्हारे रवैये से, बस इसीलिए उसकी मदद की। वाह, ये सब कुछ कह के तुम कितने आराम से बरी हो गई। हाँ मुराद, मैं तुमसे सॉरी कर चुकी हूँ, उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वो ही किया। सॉरी बॉस, दखल अंदाजी के लिए माजर चाहती हूँ, लेकिन वो एमरे आ गया है तो मैं आपको रात को इनवाइट करना चाह रही थी दोबारा मीटिंग के लिए। ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। हयात ही लास्ट चांस है, मजीद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आप कहें मुराद सर। हाँ बोलो चाला। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ, अरे वो तो पीछे खड़ी हैं। हयात कम बेबी, इनसे मिलो एमरे। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी टैलेंटेड हैं और कॉफी भी इतनी खूबसूरती से फेंकती हैं। हाँ इसका क्या मतलब है? हाँ समझ गई समझ गई। सॉरी वो मैं उस वक्त गुस्से में थी। नाउ इट्स ओके, चले मुझे सुलह का मौका तो मिल गया। My name is Emre. हयात। तो नया स्टार्ट मीठे से करते हैं, लीजिए ना। थैंक यू सो मच। ये मुस्कुराहट बहुत हसीन लगती है आप पर। बेहतर यही है कि मैं ना खाऊं। मुझे कोई एतराज नहीं, लगता है आप अभी भी गुस्से में हैं। अगर बुरा ना लगे तो ये कैंडी का पीस खा लें, शायद गुस्सा कम हो जाए। किस बात का इंतजार है, खा लीजिए। टूल मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। व्हाट? आज शाम तो बॉस। मुझे पता है तुम संभाल लोगी, कर सकती हो। हयात तुम मेरे साथ आओ। टूवी क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं तो तुमने कुछ नहीं किया, क्यों ना हम बाद में बात करें, तैयारी भी करनी है शाम की, तो जाओ जाओ। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें खबरदार किया था। कुछ बताओगे कि हुआ क्या है, आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया है मुझसे? आज से तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, सुन लिया? क्या? मैं समझी नहीं। मुराद, ये थोड़ी देर पहले क्या किया है तुमने? देखो आ गई टूअल, आज से हयात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी, इसका काम किसी और को दे दो। मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं नहीं हूँ इसमें? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम मेरा फैसला नहीं मानोगी? मुराद मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मैंने इस पर काम किया है। इतनी तेज आवाज में क्यों, प्लीज काम डाउन। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? क्या मैं अकेला छोड़ सकती हूँ टूअल? बिल्कुल, जाती हूँ मैं। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो उसके लिए जो अभी हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा? एमरे की वजह से कर रहे हो ना तुम ये सब कुछ? एमरे? काफी अच्छी दोस्ती हो गई उससे। हाँ घुमा फिरा क्यों रहे हो तुम मुराद, सीधी बात करो मुझसे, आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ यार, तुम अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, बस। मुराद, तुम मुझे ऐसे निकाल कर नहीं जा सकते, इस कंपनी में पार्टनर हूँ मैं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं अब। अगर मुझे निकालना ही था तो पहले ही रोक देते, और अब जब के सारा काम हो गया है तो मुझे ही निकाल दिया।
तुम जा रहे हो, मेरा इंतजार नहीं करोगे? तुम क्यों जाओगी वहां? मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाती हूँ, बस दो मिनट दो मुझे। मैं सलीस उर्दू में बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हयात, तुम विंटर टेल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ तो जरा, जब कंपनी से सब आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। ये तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, लेकिन इस वक्त मैं प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त हम घर पे हैं, कंपनी में नहीं। सिर्फ एक शौहर के हिस्से से बात कर रहा हूँ। हाँ, सही कहा। अच्छा तो शौहर हो तुम मेरे, और अगर मैं इनकार कर दूं? ओ, वाकई? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो इस मौजू पे हम बात कर सकते हैं। मिस हयात, छोड़ो मुझे। ओके, तो मैं जा रहा हूं और वहां जाके सबको कह दूंगा कि मिस हयात की तबीयत खराब है और वो यहां पे रेस्ट कर रही है। ठीक है ना? करो रेस्ट। ये क्या बात है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं, बस ऑर्डर दिया और चल दिया। मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं जो उंगलियों पर नचाओगे। याद रखना कि मेरा नाम हयात है। लो भाभी आ गई। ये तो खुद मरने यही आ रहा है। तू सोचो सोचो सोचो। हाय बेबी, तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो हर कोई तुम्हारे फैब्रिक की बात कर रहा है, मैं किस किस को बताऊं? चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ सबसे। रुको तो जरा टूवी। मुराद साहब, आपने मीटिंग कैंसिल की थी। मैम रे, ये जबरदस्त। चलो अब तो बात खत्म हो गई, जल्दी आओ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये आदमी तो पागल है, मेरा हाथ तोड़ने ही वाला था। शुक्र करो तुम्हारा सर नहीं तोड़ा। मतलब? हयात का हस्बैंड है वो। एक मिनट, हयात शादीशुदा है? शादीशुदा है और अपने घर में खुश है वो। उस तरफ मत देखो, इधर मरो, बस मेरी तरफ देखो। देखो तो जरा उसे, कहीं से वो शादीशुदा लगती है? उसने अपनी रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई है, वो भी नहीं देखी तुमने? पागल हो गए हो बस। कसम से क्या हुसन है उसके चेहरे पर, अंगूठी पर तो नजर ही नहीं गई मेरी। वो आदमी चलता फिरता बॉम है। बेहतर यही होगा कि हयात से जुड़ा सारा फतूर अपने दिमाग से डिलीट कर दो, वरना सब तबाह हो जाएगा। खुद तो डूबोगे, मुझे भी ले डूबोगे। मुझे इस तरह मत देखो, बस वो मुझे दरवाजे पर मिल गया था। अब खामोश क्यों हो, कुछ कहो ना। वो बहुत कुछ कह गया है, लेकिन मेरी बातों पर तुम अमल नहीं कर सकती, मैं क्या कह सकता हूँ? नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरा हक था यहाँ आने का। मना किया था? हाँ, मैं कहता हूँ मत जाओ, तुम जाती हो। मैं कहता हूँ मत करो, तुम करती हो। बताओ मुझे और क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें। अरे, मैं इसको नजर नहीं आ रही क्या? सुनिए, आंखें तो बहुत अच्छी हैं,
कैन से नजर नहीं आता। माफ कीजिए। माफ कीजिए, चलिए जाइए। अरे ये कोई तुम्हारी मिल्कियत है? बिल्कुल, ये मेरी मिल्कियत है और ये रही इसकी निशानी। चलो अब जाओ। अरे तुम तो पागल लगती हो, तुमसे निमट लूंगी। मुझसे निपटोगी? हाँ, मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है। मैं तो चाहती थी कि मुझे कोई मिले और उस पर मैं गुस्सा निकालूं, और तुमने आग को हवा दे दी। इससे पहले कि इस आग में जलो, निकलो यहाँ से। हयात बस करो, मेहमान है हमारी। तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम खामोश नहीं हो सकती। कैसे खामोश हो जाऊं, वो अपनी हद क्यों भूली? अच्छा तो ये बात है, प्रोफेशनली हमें उन लोगों से भी मिलना पड़ता है जो अपनी हदें नहीं जानते। ठीक है, हमें मिलना पड़ेगा उनसे। हाँ, यही इंतजार करो तुम मेरा। अरे इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम उसके साथ आई थी ना यहाँ पर? बताया तो है, वो दरवाजे पर टकराया था। और फिर उसने तुम्हारी कमर में हाथ डाल दिया। हाँ, उसने तुम्हें छुआ है, मतलब समझती हो ना? मुझे इससे मतलब नहीं कि वो कहाँ मिला है, लेकिन उसने जो हरकत की उसका खुमियाजा उसे पूरा पूरा भुगतना पड़ेगा, देखती जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा। मुराद, जरा मेरी तरफ देखना। अब क्या किया इसने? ये शख्स मुझे कंपनी के दरवाजे पे भी नजर ना आए, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। चलो। पार्टी, म्यूजिक, कैन यू टर्न ऑन द म्यूजिक? अगर आपने उससे बात नहीं करनी थी तो मुंह पर मारती उसकी कैंडी, लेकिन आपने तो उसे शह दी है, समझ में आई आपके? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है, समझ सकते हो? एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, जब जब मैं तुम पे चीखा, जब जब मैंने तुम पे गुस्सा किया, उसकी वजह सिर्फ ये आदमी था। फिर नहीं करना ऐसा। जरूर करूंगा, क्योंकि तुम गलतियां करने से बाज नहीं आओगी। इस हवाले से टैलेंट तुम में कूट के भरा है। ऐसा अनजाने में होता है। ठीक है, तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से परेशानी है, लेकिन हर बात पर गुस्सा आखिर क्यों? खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी करते हो। मैं तंग आ गई हूँ मुराद। ओह वाकई? और वो शख्स जो तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उसकी रोज रोज की हरकतों से मैं भी तंग आ गया हूँ। बड़े आए, मैं भी तंग आ गया हूँ। जो मैंने कहा वही दोहरा दिया। कुछ अपना भी कहो तुम, मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। इससे क्या हो गया है? दरवाजे भी अपने जैसे लगाए हैं, ढीठ जैसे तुम हो। ठीक कहा तुमने, यहाँ के दरवाजे भी मेरे जैसे रोमांटिक हैं। आखिर दरवाजे भी तो मेरी कंपनी के हैं। तुम्हें मालूम है असल मसला क्या है? सारा मसला तुम्हारे इन डिंपल्स का है। क्या करूं, मुस्कुराने से आते हैं। तुम मुस्कुराओ ना। सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराना। हाँ। तो फिर अब ये भी बता दें कि मुझे सांस कब लेनी है, सुबह में सांस लूं या शाम में? क्या कहा था घर पे? हाँ, तुम प्रोजेक्ट में नहीं हो, तुम लाउंजिंग में नहीं आ सकती। हंसोगी नहीं, रोगी नहीं, और भी कुछ है जो आप मुझसे चाहते हैं? अच्छा तुम खुद बताओ मुझे, तुमने इसमें से क्या किया अब तक? ना मैंने किया और ना ही मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। देखा देखा तुमने, ये हमारा अपना घर है और मैं यहाँ ऐसे आया हूँ जैसे यहाँ कोई चोर आया है। दादी जान ठीक हो गई हैं, कल हम लोग अपने घर जा रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, हमने दादी से वादा किया था, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हयात प्लीज मुझे मजीद टेंशन मत दो, जब से तुम आई हो मुझे सुकून नहीं मिला, तुम ये ठीक नहीं कर रही। ये भी तो ठीक नहीं,
जिसको दिल चाहे पंच मार के नीचे गिरा दो। हयात, अब उस आदमी का जिक्र तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं करोगी, सुन लिया तुमने? या अल्लाह, तुम अभी तक उसी को लेकर बैठे हो मुराद? जहन पर सवार हो गया है। कहा ना उसके बारे में बात नहीं होगी। जो आपका हुक्म आलीजा। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मजाक नहीं, गौर से सुनो मेरी बात, ठीक है? ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं नहीं जानता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जो गलतियां तुमसे हुई जाने दो। आखिर मेरी बीवी हो, कुछ समझी? सिर्फ कागजों में। फिर वही, क्या चाहती हो तुम? सब कुछ क्लियर कर दो तुम इसी वक्त। ओके फाइन, मैं आज खुल के कहती हूं तुमसे, ये शादी नहीं है मुराद। मैंने शादी का ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। सोचा था कि जब हम दोनों सुबह साथ उठे, नाश्ता बनाकर लाती तुम्हारे लिए। नाश्ता करते, खाना खाते साथ में दोनों, और क्या चाहिए था मुझे, बस थोड़ी खुशी। खाना तो क्या, हम एक मिनट साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, चलना तो दूर की बात है। ये मियां बीवी का रिश्ता तो नहीं हुआ ना? हम दोनों मियां बीवी नहीं हैं, और इसके जिम्मेदार हो तुम। आज तुमने ये दूसरी बार ताना दिया है। वाकई में तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो ना? आओ चलो बनो बीवी। तुमने जो कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो कुछ भी आज तक किया तुमने, मैंने वो सब कबूल किया, किसी चीज का बुरा नहीं माना मुराद। ये आज जो तुमने किया, ये आज जो कुछ भी तुमने किया, thank you.
हयात, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ बाबा, हयात एक दो दिन रुकने आई है यहाँ, कुछ दिन रहेगी, मुझे बहुत याद आ रही थी इसकी। या अल्लाह शहजादी बेटी, कोई मसला तो नहीं हुआ मुराद से तुम्हारा? दादा जान, आप तो ऐसा मत कहें, अब मैं अपने घर रुकने आई हूँ, ये क्या जुर्म है कोई? तो फिर उसे फोन करो और कहो कि यहाँ पर खाने पर आए। नहीं, वो नहीं आ सकते, उन्हें ऑफिस में काम है, आप तो बैठिए। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मैं देख कर आती हूँ। हाँ देखो कौन है। यहाँ कैसे तुम? आप अंदर जाइए और उनसे कहिए कि मुराद मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ घर वापस जा रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम समझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अच्छा, तो इतने आराम से क्यों बोल रही हो, जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन सकें। तो तुम चाहते हो कि मैं सबको बता दूं तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? कौन है हयात? अरे दामाद जी आए हैं, आओ आओ बेटा, अंदर नहीं आओगे क्या? अम्मी वो बस ये जा रहे हैं, इन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्यों बेटा, दरवाजे से क्यों जाओगे, अंदर आओ, हमारे साथ खाना खा के जाना। आ जाओ, आज सारा खाना हयात की पसंद का पका है, आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बेहतर होगा कि तुम खाना खाकर चले जाओ। कैसे हैं आप हशमत दादा? आओ बेटा आओ। अरे तुम तो यहाँ नहीं थे, गए हुए थे, हयात ने बताया था मुझे सुबह। वो सरप्राइज दिया है, रास्ते में था मैं। हाँ अच्छा किया ना यहाँ आ गए, जल्दी से हाथ धो लो और हमारे साथ खाना खाओ, जल्दी खाना ले आओ, कहाँ रह गए? लगाती हूँ बाबा, आ गई बस। और क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। खुश आमदीद। अरे क्या बात है, अभी तक तुम सोई नहीं, तुम्हारा शौहर कहाँ है? बालकनी में सुकून से बैठे हैं दादा जान। इतनी सर्दी में? एक बात पूछूंगा तुमसे, लेकिन जरा सा भी झूठ नहीं बोलोगी। ऐसी क्या बात है दादा? क्या मुराद से तुम्हारी कोई नाराजगी है? नहीं तो, बल्कि मैं तो उनके पास बैठने बालकनी जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। गुड नाइट दादा। चलो गुड नाइट। दादा की नजर यही है, तो प्लीज बिहेव करना। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखावा ज्यादा कर लेते हैं। क्या कर रहे हो मुराद? जो मुझे करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, अब देखो हम दोनों को कितना प्रिटेंड करना पड़ रहा है यहाँ तुम्हारी वजह से। और शायद मैंने भी कहा कि तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सब खत्म, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये इतना आसान नहीं है। देखो अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। एक बार फिर झूठ, मतलब ये कि तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है? एक आदमी जिसकी औकात 5 रुपए की नहीं, ओह सॉरी 5 नहीं, मुझे अपनी औकात तो अब पता चली है, कुछ कागज के टुकड़े, यही कीमत लगाई है मेरी मां ने मेरी। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम उनसे मिल नहीं सके। इस बात ने मुझे परेशान नहीं किया, शुक्र है मेरी औकात मुझे पता चल गई। ऐसा मत कहो मुराद। क्यों, तुमने देखा नहीं, पैसे लिए और चली गई वो, अचानक जिंदगी में वापस आई और फिर अचानक यूं ही गायब हो गई। उन्होंने ये तक गवारा नहीं किया। कम से कम उस बच्चे को ही देख लेती, जिस बच्चे को वो उस वक्त छोड़ के गई जब वो सिर्फ 5 साल का था। ये मेरी कितनी बड़ी बेबसी है ना।
मैं अब भी उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये गलत है कि मैं उस माँ को याद करता हूँ जो मुझसे प्यार ही नहीं करती? शायद कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते। शायद ऐसा हो। काश उनके दिल में मेरे लिए जगह। उन्हें भी मैं याद आता हूं। जाने दो, बेकार की बातें हैं सब। बस अब तो कोई मौजज़ा ही होगा। हेलो, 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 अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आप मुझसे बात करें, कहाँ हैं आप? अम्मी, अम्मी अम्मी थी, यकीन से कह सकता हूँ मैं। हेलो तैमूर साहब, मुझे अभी अभी मेरी अम्मी ने कॉल की थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं हैं, मेरे अरीब करीब में हैं। ठीक है ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ। और मुझे अभी जाना होगा, बस दुआ करना कि अम्मी मिल जाए। अब जाना जरूरी, मैं कल आता हूं तुम्हारे पास। क्या कर रही हो? हम बैठ के बात करते हैं ना। कोई बात नहीं करने, मैं आज पूरी रात सोचती रही और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे यहां से जाना होगा। लेकिन तुम ऐसे मत जाओ प्लीज। क्यों ना जाऊं? देखो मुराद मेरा दोस्त है, हमारे माजी में बहुत से झगड़े हुए, लेकिन ये जो इसने किया है ये मेरे आर्ट और मेरे काम की तौहीन है हयात, जो मुझे मंजूर हरगिज नहीं। टूअल, मुझे उस इडियट का नंबर दो। किसकी बात कर रहे हो? इस वक्त सिर्फ एक आदमी तकलीफ दे रहा है, वो है एमरे। शराफत की जुबान उसकी समझ में नहीं आती, मैं अब किसी और तरीके से समझाऊंगा। मुराद अब बस भी करो तुम। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सॉरी कहने के लिए फूल भेजे उसने। मैं उससे खुद बात करूंगी। अब हम दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे मिस्टर मुराद, आप बेफिक्र हो जाइए। देखो टूअल जा रही है, तुम प्लीज उसे रोको। टूअल, मुझसे बात नहीं करोगी? क्या तुम किसी से बात करते हो? आज तुम्हारे गुस्से ने इर्द गिर्द की हर चीज जला डाली। यही चीज तुम्हें जमीन की तरफ नहीं देखने देती और तुम ये सब के साथ करते हो। तुमने बहुत कुछ बदल दिया है मुराद। हक पर हूं मैं, अगर तुमने जरा भी सहा होता जो मैंने सहा है, तुम भी सब कुछ भूलकर यही करते। असल मसला तो यही है, तुम पिछला सब कुछ भूल चुके हो मुराद। हमने भी बहुत कुछ सहा है मगर तुम ये नहीं समझोगे। तुमने अपना प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया है मुराद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो सिर्फ ये वजह है तुम्हारे काम ना करने की?
यही वजह है। गुड लक टूअल, जैसा तुम चाहो। यू कैन गो नाउ। मुराद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो हार मान जाए मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ये सब इतना आसान है तुम्हारे लिए? मजीद कोई बात नहीं करना चाहता मैं। हाँ, इससे पहले कि भूल जाऊं, अब तो तुम लौट आई हो मेरे पास। बेहतर यही होगा कि इस अंगूठी को भी अपनी सही जगह मिल जानी चाहिए अब। एक मिनट, गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आई हूँ। मुझे तो सुबह टूअल ने कॉल किया और वो बहुत रो रही थी, उसे रोकने आई थी मैं। हम ये बात पहले कर चुके हैं। हमने हमेशा की तरह बातें की वहां पर। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास। तो तुम चली जाओगी? लगता है तुम समझे नहीं हो, जा चुकी हूँ मैं। तुम जानती हो कि अब मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो कि मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। भूल कर भी ये कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और तुम बड़े आराम से यहां से चली जाओगी। तो लिहाजा आप चुप रहेंगे। तो लीजिए, इसे अपनी जगह मिल गई। हम शाम को एपिक का रिश्ता लेने आ रहे हैं। इस बार जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा मुराद। अब मैं नहीं लौटूंगी। मैंने कुछ कहा था तुमसे? और मैंने कहा था रिश्ता खत्म। क्या तुम सीरियस हो? घर वालों को बता दिया तुमने? ये रात गुजर जाने दो बस, फिर मैं अम्मी को बता दूंगी सब। और दादाजी? दादाजी ने तो मुझे पहले ही खबरदार किया था। उन्होंने तो कहा था, मुझसे समझाया था। कि तुम लोग मेरा जीना दो भर कर दोगे। सही कहा था उन्होंने, कहा था तुम मुझे रुलाओगे, और वैसा ही किया तुमने। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए सजा मिली है मुझे शायद। मैं हर बात के लिए तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने देर कर दी है,